सीटीटीवी पाकिस्तान के नुमाइंदे खसूसी अख्तर सरदार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट 10 सितंबर बरोज इतवार मुनक्किद होगा, जिसके लिए साहिवाल में 2 सेंटर्स गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और डीपीएस में बनाए गए, जिसमें बिलतरतीब 1120 तलबा और 2584 तालिबात इम्तहान देंगी। एमजीकेट के लिए इंतजाम का जायजा लेने के लिए एक इजलास कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने की। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक, एडीसी जनरल सैयद उस्मान मुनीर बुखारी, प्रिंसिपल डीपीएस ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अनवारुल हसन करमानी, डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर मसूद फरीदी और डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर अहमद हसन, सीईओ हेल्थ डायरेक्टर अब्दुल मजीद खान नियाजी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर मुमताज़ अहमद, डीएसपी ट्रैफिक सईद खान लोधी और डीएसपी हेडक्वार्टर पीर रियाज शाह समेत मुतालिका अफसरान ने भी शिरकत की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने टेस्ट के मौका पर तलबा और तालिबात और उनके हमरा आने वाले वालदैन के लिए बेहतरीन इंतजाम करने और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत की। उन्होंने दोनों तालीमी इदारों के सरबराहान को हिदायत की कि वालदैन के बैठने और इन्हें पीने के पानी की फराहमी का भी इंतजाम किया जाए। इजलास में कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने दूसरे शहरों से आने वाले तलबा और तालिबात की रहनुमाई के लिए शहर के तमाम एंट्री पॉइंट पर बैनर्स भी लगाने की हिदायत की। उन्होंने दोनों सेंटर्स पर हेल्थ बूथ बनाने की भी हिदायत की।